तो वीडियो में बहुत कमेंट आ रहा था भाई बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, फाइनली आपके भाई वो वीडियो लेकर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। देखो आपका गेम प्ले को इम्प्रूव यानी तगड़ा बनाने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एंड कैरेक्टर स्किल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात तो सही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रैंक, सीएस रैंक एंड कस्टम के लिए अलग अलग बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ठीक है। शाबाश बेटा। आप लोगों को जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा एक बार रख के गेम प्ले कर लेते हो, आप लोगों का गेम प्ले पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो आज की वीडियो छोटा है, प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना और जो भी चैनल में पहली बार आ रहे हो ना प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसे ही नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं अगर आप रैंक मैच खेलते हो तो कौन सा कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट होगा। देखो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर जो होता है वो है के कैरेक्टर एंड वुकोंग। ये दोनों कैरेक्टर का एबिलिटी बहुत तगड़ा है और रैंक मैच में ये दो कैरेक्टर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अभी बात करते हैं अगर आप सीएस रैंक खेलते हो तो आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आपको सीएस रैंक में यूज करना है वुकोंग, स्काइलर एंड क्रोनो। ये जो कैरेक्टर बताया सीएस रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर है। और अभी बात करते हैं अगर आप लोग अनलिमिटेड कस्टम खेलते हो तो आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए। देखो कस्टम में आपको हमेशा स्काइलर कैरेक्टर यूज करना है। तो देखो आप लोगों को रैंक, सीएस रैंक एंड कस्टम के लिए बेस्ट कैरेक्टर तो बताया। ये कैरेक्टर में आपको कौन कौन सी स्किल ऐड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आप रैंक खेलते हो तो आपको फर्स्ट स्लॉट में केली ऐड करना है, सेकंड स्लॉट में ऐड करना है मैक्सिम और थर्ड स्लॉट में ऐड करना है पालोमा। और आप सीएस रैंक खेलते हो तो आपको फर्स्ट स्लॉट में रखना है केली, सेकंड स्लॉट में रखना है हायातो और थर्ड स्लॉट में रखना है मैक्सिम। उसके बाद आप कस्टम खेलते हो, कस्टम में आपको कौन कौन सी स्किल ऐड करना चाहिए। बेस्ट स्किल बताने से पहले आप सबको एक बात बताता हूँ। देखो आप लोग कस्टम में क्या चाहते हो, गॉड लेवल मूवमेंट। और कस्टम मैच में मूवमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपको फर्स्ट स्लॉट में रखना है केली, सेकंड स्लॉट में रखना है जोसेफ, थर्ड स्लॉट में रखना है मैक्सिम। तो देखो आप लोगों को ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया बहुत ओपी लेवल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, आप एक बार यूज करो, पहले से आपका गेम प्ले बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आज की जो वीडियो है सबको कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।